सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य थाना प्रभारी दीप प्रकाश त्रिपाठी और समस्त स्टाफ के लिए गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों का हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य राम लखन सिंह अध्यक्ष भाजपा मंडल केसली। सभी क्षेत्रवासियों नगरवासियों गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। सौजन्य बीकेपी कॉलेज देवरी जिला सागर मध्य प्रदेश। सभी क्षेत्रवासियों को नगरवासियों गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। सौजन्य उमेश कुमार प्रजापति मंत्री भाजपा मंडल केसली। सभी क्षेत्रवासियों नगरवासियों गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। सौजन्य अतुल भाई राजपूत। सभी क्षेत्रवासियों नगरवासियों गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। सौजन्य संदीप कटारी सरपंच केसली। सभी क्षेत्रवासियों नगरवासियों गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। सौजन्य गुरु कृपा रेस्टोरेंट एंड ठावा केसली। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य ओम साई राम पेट्रोल पंप केसली। भारतीय रेल विभाग द्वारा संपूर्ण भारत के बड़े स्टेशनों की तरह सागर रेलवे स्टेशन पर भी फहराया गया 100 फीट ऊंचे स्तंभ पर तिरंगा। इस तिरंगे की साइज 20x30 फुट है। यह तिरंगा एक बहुत बड़े नवनिर्मित स्तंभ पर किया गया जो कि एक बहुत ही आकर्षित बनाया गया है। 20x30 और इसके स्तंभ की ऊंचाई 100 फुट हाइट रहेगी। तो ये इतना बड़ा ध्वज क्या कहीं और भी फहराया जा रहा है? जो बड़े बड़े स्टेशन है उस पर जो है कई जगह लगाया गया है जी। तो ये आपके क्या रेल विभाग की कोई स्कीम है या कुछ है? हाँ, रेल विभाग की तरफ से जो है ना जी लगाया गया है और इंजीनियर विभाग ने इसको जो है ना लगाया। अच्छा, तो इसके इतना ऊंचा स्तंभ फहराने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? सागर के सांसद राज बहादुर सिंह जी ने इसे गणतंत्र दिवस पर फहराया। अपना RNF न्यूज़ के लिए हेमंत ताटिया की रिपोर्ट।